माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ ही सम्माननीय अतिथियों से रिमोट दबाकर दही माइक्रोद्वहन सिंचाई परियोजना के शिलालेख का अनावरण करने का सादर अनुरोध है। 1127 करोड़ से अधिक की यह परियोजना, जिससे 47,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की, एक बहुत बड़ी योजना है अन्नदाताओं के लिए, जो भविष्य बदलने वाली योजना है, जिससे खेतों में और अधिक अनाज उपजेगा और पूरे समूचे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसी दही माइक्रोद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन के शिलालेख का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिमोट दबाकर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर। अतिथि हमारे लिए देव स्वरूप होते हैं। हमारी संस्कृति में अतिथियों को देवताओं का स्थान दिया गया है। आज हम सभी प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, गर्वित हैं कि हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के और अतिथियों का स्वागत का सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्री माननीय श्री सुरेंद्र सिंह बघेल साहब से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षण सामग्री भेंट कर स्वागत करें। साथ ही अनुरोध करूंगा जिले के सम्माननीय जिलाधीश महोदय से कि वे भी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में अनुरोध है श्री बालमुकुंद सिंह जी गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जिला धार से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। श्री महेश पटेल जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अलीराजपुर से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। स्वागत के इस बेला के उपरांत स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री बालमुकुंद सिंह जी गौतम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी धार को स्वागत उद्बोधन के लिए सादर अनुरोध है। दही माइक्रोद्वहन सिंचाई योजना के भूमि पूजन में पधारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सदय कमलनाथ जी, साथ ही हमारे प्रभारी मंत्री साधो जी, हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय सुरेंद्र बघेल जी, आदरणीय महेश पटेल जी, आदरणीय पाचीलाल जी मेड़ा जी, आदरणीय अलावा जी, आदरणीय प्रताप बिरवाल जी, आदरणीय अपने मुकेश पटेल जी, हमारी बहन कलावती भूरिया जी और सामने बिराजे समस्त मेरे किसान भाइयों, दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आपका इस सिंचाई योजना के भूमि पूजन में आपका हार्दिक स्वागत जिला कांग्रेस को करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों के द्वारा 30,75,00,000 के कार्यों का लोकार्पण एवं 30,64,00,000 के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुक्षी डही एवं जिले के अलीराजपुर के 106 से अधिक गांवों में सिंचाई सुविधा के लिए 1127 करोड़ की सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र में शिक्षा हेतु शाला भवन, चिकित्सा केंद्रों, सोसाइटी, हॉस्टल आदि अनेकों सौगातें प्रदान की गई है, जिससे धार जिले के कुक्षी एवं विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जीवन सुखमय होगा और हमारे जिले में 34,193 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान होगी, जिससे जिले के लाखों किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले के
जिले में 78,453 किसानों का लगभग 352 करोड़ का कर्ज माफ किया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष होने के नाते और संपूर्ण जिले के समस्त नागरिकों की ओर से मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।